एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट चना दाल फ्राई। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1 से 1.5 कटोरी मैंने दाल के लिए थी, उसको अच्छे से धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। उसके बाद उसको मैंने अच्छे से फिर धोकर उसको 3 से 4 सीटी देकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला था बॉईल करते समय। अब हम तड़का लगाना शुरू करेंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और सूखी लाल मिर्च ली है और कुछ मसाले लिए हैं। तो चलो हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन में हम सबसे पहले तेल डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तेल गर्म हो चुका है, उसमें कुटी ही लाल मिर्च, पिसी हुई अदरक, हरी मिर्च, और प्याज डाल देंगे और इसको तब तक पकाएंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता और मसाले अच्छे से पक नहीं जाते। इन सभी को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो देखिए प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और पक भी चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए और जल्दी से गल जाए। नमक थोड़ा डालना है क्योंकि दाल को बॉईल करते समय भी हमने नमक का यूज किया था। तो देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इन सभी मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी हम दाल को डाल देंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ दाल को अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम स्पेशल तड़का लगाते हैं। तो देखिए हम किस चीज का तड़का लगा रहे हैं जिससे दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने एक कड़छी ली है, उसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसमें सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन। गैस हमने चला लिया है, उस पर हम ये कड़छी रखेंगे और इसको एक अच्छा सा झोंक देंगे दाल को। इसको धीमी आंच पर करना है। तो देखिए मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। मसाला हमारा, मिर्च हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जल्दी से इसको दाल में डाल देंगे और ऊपर से 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए दाल बन चुकी है, इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे।
तो देखिए, दिखने में जितनी बढ़िया लग रही है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी चावल रोटी के साथ इसको एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।